महमूरगंज के विराट ऐश्वर्या अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर आग लगने की वजह से एक जो किशोर था उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। फिलहाल इस आग के बाद एक सवाल यह उठ रहा है कि जो अपार्टमेंट तेजी से बन रहे हैं, क्या वह आग के नज़रिए से सुरक्षित हैं। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक की जो पड़ताल हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि इस अपार्टमेंट में लगे फायर फाइटिंग के तमाम इक्विपमेंट पूरी तरह से बेकार थे। एक भी फायर इंस्टीट्यूटर या फिर यहाँ पर लगाए गए पंप पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। जो लोग रेस्क्यू के वक्त यहाँ मौजूद थे उनसे ही बात करते हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। पुन्नूलाल बिन पार्षदपति, मैं यहीं से हूँ। पुन्नूलाल जी, जब आग लगी तो आप लोग पहुँचने वालों में से पहले थे, एकदम फर्स्ट। किस तरह का यहाँ पर नज़ारा था? क्या फायर फाइटिंग को लेकर इस अपार्टमेंट की तरफ से जो तैयारियाँ थी वो पुख्ता दिखी आपको? हम तो बिल्डिंग में जब हम लोग घुसे तो टॉप फ्लोर पे जाने के बाद हम लोग केवल फायर फाइटिंग वाला ही जो सिस्टम होता है वही ढूंढ रहे थे, लेकिन दिखा नहीं कहीं। और हमारे साथ पूरी, हमें यहाँ चूँकि पार्षद होने के कारण हमें घुसता देख करके मोहल्ले के काफ़ी लोग मेरे साथ घुसे। मेरे चौकी इंचार्ज भी थे, दीवान थे, जो फर्स्ट में घुसे। उस समय आपका ये समन विभाग नहीं आया था, दमकल वाले कोई आए नहीं थे। हम लोग बाल्टी बाल्टी जितना संभवतः हो सका बुझाया गया। एक दो दरवाजे को भी हम लोग तोड़ करके कम से कम एयर निकले और उसमें जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, बच्चा नहीं बच पाया। और इस तरह से पुन्नूलाल जी, 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तमाम बनारस में मल्टीप्लेक्सेस बने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर फायर फाइटिंग के इंतजाम पुख्ता थे? क्या यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो काम कर रही थी? कोई काम नहीं कर रहा था, शून्य था एकदम फायर फाइटिंग का। तो अब क्या सिस्टम, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं शहर में और इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं हैं। हम लोग बड़ा आश्चर्य किए। और आप समझ लीजिए कि हम लोग तो बताए ना कि घुसते ही खोजा गया कि कहीं कुछ इंस्टॉलमेंट मिल जाए जिससे बुझाया जाए। पानी टंकी कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि कभी ऊपर वाला ना करे आग इस तरह लगे हो, आज वो दुर्घटना हो गई हमारे सामने। निश्चित तौर पर कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि कब दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन ये वही बिल्डिंग है, आप इसका टॉप फ्लोर देख भी सकते हैं। अभी भी फिलहाल लगातार ऊपर से जो फायर ब्रिगेड की टीम है ऊपर लगी हुई है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो घर का चिराग था वो बुझ गया है और सिर्फ लापरवाही इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा अपार्टमेंट, लेकिन फायर फाइटिंग के कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं थे। गोपाल मिश्र, ETV, वाराणसी।